ਆਦਿਓ ਪੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆ ਪੜੋ ਪੋਸਟ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਬੜੀ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋ ਲੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਨਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਠੀਕ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿਆ ਕੁਛ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕੀਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ आपको बता दें 10 महीने हो चुके हैं लेकिन सिद्धू मूसेवाला जी को अब तक इंसाफ नहीं मिला, बल्कि उन गुंडों को, उन मवालियों को जो है अब तक खुलेआम छोड़कर रखा गया है। इसी वजह से उनका वीडियो जो है एक जेल के अंदर से, आपको बता दें पंजाब के तरन तारण की गोइंदवाल जेल में एक गैंग वार है जो कि सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या से जुड़ी हुई वो गैंग वार है, और इन गैंगस्टर ने वीडियो बनाया है स्पेशल, जी हाँ बिल्कुल सेल्फी में वीडियो बनाया है और वो वायरल भी हुआ वीडियो, और वीडियो को देखकर जो है सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी और माँ चरण कौर जी को काफी गुस्सा आया। उन्होंने साफ कहा कि जेल के अंदर इन गैंगवारों को, इन गैंगस्टरों को जो है खास तौर पर किस तरह से फोन अवेलेबल हो जाता है और होने के बाद जो है ये हमें धमकी भी देते हैं। आपको बता दें आगे सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी की वीडियो सुनवाएंगे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि किस किस दिन और किस प्रकार से उन्हें धमकियां दी गई है, ना सिर्फ धमकी बल्कि मारने तक की धमकी। एक तो 25 अप्रैल को ही उन्हें जो है ये कहा गया कि तुम खास तौर पे लॉरेंस का नाम अपने मुंह से निकालना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी हवेली समेत तुम्हें उड़ा देंगे रातों रात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिद्धू के पिता इन सब चीजों के बावजूद भी आपको बता दें धरने पर बैठे हैं और उन्होंने अब ये सब पथ ली है, जब तक मेरे देवता स्वरूप बेटे श्रवण पुत्र को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम जो है जोरों शोरों से अब आवाज उठाएंगे। इस दौरान सिद्धू के पिता इंटरव्यू देते हुए भावुक भी हुए। आपको बता दें इस वक्त जो है सिद्धू के पिता और माता को लेकर जो खबर सामने आई है अपने आप में दिल दहला देने वाली है। सिद्धू मूसेवाला जी के पिता बलकौर सिंह जी ने इस घटनाक्रम को सरकार का फेलियर बताया है, और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा है सरकार को स्पष्ट रूप से कि अगर पंजाब नहीं संभल रहा है इनसे तो हाथ खड़े कर देने चाहिए। सिद्धू के फादर साहब ने यह भी कहा बलकौर सिंह जी ने कि उन्होंने गोइंदवाल साहिब जेल की वीडियो देखी उन गैंगस्टरों की, इस वीडियो में बदमाशों के हौसले देखे उन्होंने, वीडियो में दिन दिहाड़े कत्ल किया गया, इसके बाद बदमाश गालियां भी निकाल रहे हैं और जेल में हुए कत्ल की जिम्मेदारियां भी ले रहे हैं खुलेआम, सरकार को और कानून को तुच्छ समझ रहे हैं, जैसा कह रहे हो करो क्या करते हो, इस तरह की तमाम बातें जो है वीडियो में इन गैंगवारों ने कही है खुलेआम। और आपको बता दें आम आदमी पार्टी सरकार को साफ तौर पे सिद्धू के पिता ने ये कहा कि ये फेलियर सरकार है, अगर आम आदमी के हाथों में कुछ नहीं है तो हाथ खड़े क्यों नहीं कर देती है ये सरकार, अपने आप गवर्नर राज लग जाएगा या कुछ और हो जाएगा, राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई तो हल होगा ही। इस तरह से खुलेआम जो धमकियां दी जा रही हैं, वीडियोस बनाकर कत्ल किए जा रहे हैं, कम से कम ये सब तो बंद होंगे। ये सब बात कहते हुए सिद्धू के पिता काफी ज्यादा गुस्से में दिखे। नहीं नहीं आपको बता दें आगे जो खबर आई है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार से सरकार और किस प्रकार से पंजाब में इस वक्त जो है हाल है। पंजाब की गोइंदवाल जेल के अंदर पहले दो गैंगस्टरों का कत्ल हुआ और फिर जश्न मनाते लॉरेंस गैंग के खास तौर पर जो गैंगस्टर हैं उनका वीडियो सरकारी तंत्र की कलई खोलकर उन्होंने रख डाली और इस तरह से वीडियो जो है संबोधित किया। वो वीडियो जिसमें जेल के अंदर से है कत्ल करने के बाद उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, सरकार हमारे साथ है। वहीं पंजाब में जेल महकमा खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास है इस वक्त और गैंगस्टर के इस वारदात के जरिए सीएम को ही खुली चुनौती जो है इन गैंगस्टरों ने दे डाली है, वो भी जेल से वीडियो बनाकर, वो भी कत्ल करने के बाद। आप समझ सकते हो कि इस वक्त जो है माहौल है कैसा है सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के बाद, और सिद्धू के माता पिता को मारने की जिस प्रकार से धमकियां दी जा रही है वो अपने आप में दिल दहला देने वाली है। दोस्तों मानना पड़ेगा फैंस की भी हिम्मत है जो इतने डराने के बाद भी, चुप बिठाने के बाद भी वो हर हफ्ते जो है हवेली पर पहुंचते हैं और सिद्धू के माता पिता की बातों को सुनते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं, और अब नौबत ये आ गई है दोस्तों कि उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, और आगे हम आपको वीडियो सुनवाने वाले हैं सिद्धू के पिता बलकौर सिंह जी की जुबानी जिसमें वो रो भी रहे हैं और गुस्सा भी दिखा रहे हैं, और दिखाना भी जायज है क्योंकि 10 महीने बीत चुके हैं अब तक सिद्धू मूसेवाला जी को इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने साफ तौर पे कहा मेरे बेटे की गलती क्या थी या हमारी क्या गलती है, हम अरे गलती सिर्फ इतनी है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से इंसाफ मांग रहे हैं
और इंसाफ मांगे भी क्यों ना, क्योंकि हमें तो धमकियां दी ही जा रही है। मेरे बेटे को तो खुलेआम जो है उसका कत्ल किया गया और उन्होंने स्वीकार भी किया, उसके बावजूद भी कोई सजा नहीं दी जा रही है, मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल रहा है। साफ तौर पर ये सारे सवाल जो है सिद्धू के पिता ने किया है, सुनिए जरा। आदेओ पोस्ट किथे है, आ पढ़ो पोस्ट, 28 तरीक नु विवादित गायक सिद्धू मूसे वाले दी सिक्योरिटी वापस ले ली जांदी है। अगले दिन जदों ओह मारिया जांदा तां सब तो पहला खबर इन्हां दी आ जांदी है, दसो सिक्योरिटी किने लीक कीती, की गैंगस्टरां नू अनाउंस करके दस्या गया भी अज सिद्धू मूसे वाला निहत्था अज घरे भी वड़ जाओ, जे जे मेरा पुत जवार के ना के रह जांदा तां ओहनू रात ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਦੇੜ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੂੰ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ, 24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। अच्छा जे हुण उस बंदा उह जोधपुर तो बंदा रहण वाला है फड़ लिया अगे जी, वह नाबालिग है, नाबालिग भावें मेरे गोली मार के भी चला जाए कोई क्राइम नहीं। दसो मेरे बच्चे ने बहुत हाथ बन्ने सिक्योरिटियां लई आ पिछे रंधावा साहब बैठे ने मैनू कह दें कोई कांग्रेसी स्टंट